नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिटर की एक और फैंटेसी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले की सबसे बेहतरीन फैंटेसी टीम आपको इस वीडियो में बना के देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर लेना है क्रिकेट एडिक्टर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले मुकाबले की बात करते हैं। अभी तक 25 मुकाबले आईपीएल सीजन 17 यानी कि आईपीएल 2024 में 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं, काफी बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई धमाका देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है कि एक टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स, वो पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर है और एक टीम जो पॉइंट्स टेबल पे सबसे निचले स्थान पर है यानी कि 10वें नंबर पर आपको दिखेगी दिल्ली कैपिटल्स। अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। गेंदबाजी विभाग में जरूर अच्छा काम करा है गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है, चाहे वो ऊपर टॉप ऑर्डर में बात कर लिया जाए, फिर फिनिशर की भूमिका कोई निभा नहीं पा रहे, जिसके कारण आप देखेंगे पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत बड़ा टारगेट भी बन गया था, 234 रन वहां पे मुंबई ने बना दिया था और उसके बाद वो केवल 205 रन तक बना पाए थे। हालांकि वहां पे आपको ट्रिस्टन स्टब्स जरूर बीच में आके अच्छी पारियां खेलते हुए दिख रहे हैं, 71 रन नाबाद बनाए थे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। ऋषभ पंत का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, ऊपर डेविड वार्नर को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही लखनऊ की बात करें भैया, ये पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत कर आ रहे हैं और गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया था इन्होंने, 163 रनों का वो टारगेट था, उसको भी इन्होंने बड़े आसानी से डिफेंड कर लिया था। उसमें यश ठाकुर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, 5 विकेट हासिल करे थे, तो बड़ी अच्छी अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो 3 मुकाबले जीत कर काफी अच्छे तरीके से पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है, टॉप 4 में बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स अभी बहुत नीचे है, थोड़ा उसको ऊपर आना पड़ेगा। पहला मुकाबला जरूर वो भी हारते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे चेन्नई को उन्होंने हराया है, लेकिन उसके अलावा ये और सभी टीमों के खिलाफ थोड़ा सा प्रदर्शन साधारण सा दिखता है। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। अगर बात करें प्लेइंग 11 की, इस मुकाबले के लिए 26वां मुकाबला जो खेला जाएगा लखनऊ और डीसी के बीच, तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग पर नजर डालें तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक केएल राहुल की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। देवदत्त पड्डीकल, इस खिलाड़ी पर थोड़ा सा सवाल रहने वाला है कि क्या इनको इस मुकाबले में इनको जगह मिलेगी प्लेइंग में या नहीं, क्योंकि अभी तक बहुत फ्लॉप प्रदर्शन रहा है। एक बार भी ये 10-12 रन का टारगेट भी पार नहीं कर पाए, मतलब स्कोर भी पार नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं देवदत्त के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली है। उसके बाद मार्कस टोनिस, जो पिछले मुकाबले में 58 रनों की पारी खेली थी, अच्छी पारी खेली थी वहां पे, साथ में निकोलस पुरन, हर बार ये खिलाड़ी नीचे आके अच्छी फिनिश दे रहा है, 32 रन इन्होंने पिछले मुकाबले में भी बनाए थे। आयुष बदोनी 20 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अभी थोड़ा सा और इनको काम बेहतर करना पड़ेगा। कुणाल पांड्या वहां पे, उसके बाद दिखेंगे रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलहक और एम सिद्धार्थ, वही मयंक यादव भी आपको खेलते हुए दिखेंगे जो पिछले मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे, एक ही ओवर डाल पाए थे, तो अब देखना होगा कि वो खेलते या नहीं खेलते। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वहां पर पृथ्वी शॉ के साथ आपको डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। अभिषेक पोरेल ने भी पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, 3 नंबर पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, जय रिचर्डसन, एंड्रिक नोकिया, ईशांत शर्मा, खलील अहमद आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि यहां पे थोड़ा सा एंड्रिक नोकिया का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है, पिछले मैच में रोमारियो सीफर्ड ने 32 रन कूट दिए थे भैया, तो एंड्रिक नोकिया को विकेट तो आ रही है लेकिन वो रन बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पे नजर रहने वाली है कि एंड्रिक नोकिया कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि यहां पे तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिली है। 91 विकेट पे हमने देखा है यश ठाकुर ने पंजा खोला है, वहां पे मयंक यादव 3 विकेट लेके गए थे अपने पहले मुकाबले में, तो अच्छा मैच हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखा जाए पिच रिपोर्ट की बात की जाए। अब लखनऊ की विकेट है भैया, पिछले दो सीजन से ये अलग खेलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा स्कोर आपको बनते हुए दिख रहे हैं, लगभग 170 के आसपास के यहाँ पे स्कोर आपको फिर से बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बैटिंग ट्रैक अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, रन यहाँ पे अच्छे, फास्ट बॉलर को जैसा मैंने बताया भी पिछले मुकाबले में यश ठाकुर ने 5 विकेट ले लिए थे, इस सीजन का पहला पंजा था, तो यहाँ पे तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद है, क्योंकि स्पिनर्स को थोड़ी सी यहाँ पे ग्रिप मिलते हुए आपको दिखती है, तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजों के लिए ये अच्छा विकेट माना जाता है। और बल्लेबाजी भी साथ में अगर पावर प्ले का थोड़ा अच्छे से यूज़ कर ले तो बल्लेबाजी में भी रन आप 170 के करीब बना सकते हैं। टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बैटिंग करना चाहेंगी टीमें, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने जीता है, यानी कि चेस करते हुए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री रहने वाला है और आसमान बिल्कुल साफ रहने वाला है, तो टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है, वेदर रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टॉप बैट्समैन
पिक्स की बात करें तो भैया LSG और DC के मुकाबले के बीच आपके पास तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो अभी तक बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। LSG की तरफ से निकोलस पूरन 178 रन बना चुके हैं 4 मुकाबलों में और काफी स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतरीन है, 170 के करीब इनका स्ट्राइक रेट है और हर मैच में ये लगभग बेहतरीन पारी खेलते हुए दिख रहे हैं। अभी तक 326 फैंटेसी पॉइंट भी जीता चुके हैं तो निकोलस पूरन आपके लिए वो नंबर वन पिक बन जाते हैं। उसके बाद नीचे आया जाए तो नीचे हम देखते हैं कि वहां पे ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के पिछला मुकाबला इन्होंने 71 रन बनाए थे, उससे पिछले में अर्धशतक लगाया था तो ट्रिस्टन स्टब्स का बड़ा बल्ला अभी सही चल रहा है, फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से आए। पहले शुरुआती एक दो मुकाबले में तो वो फॉर्म देखने को मिला नहीं था लेकिन बाद में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा है 5 मैचेस में इन्होंने 174 रन बनाए। स्ट्राइक रेट पर ध्यान दीजिएगा, 193 का स्ट्राइक रेट है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है और अभी तक फैंटेसी पॉइंट भी देखा जाए तो 106 फैंटेसी पॉइंट इन्होंने लास्ट मैच में ही मुंबई के खिलाफ जो 71 रन की पारी खेली थी उसमें ही 106 पॉइंट जिताए थे तो ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद LSG की तरफ से एक और बल्लेबाज है क्विंटन डीकॉक, ये साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज लगातार आपको रन बनाता हुआ दिखता है, फॉर्म इसको मिल चुकी है। पिछला मुकाबला हालांकि वहां पे 6 रनों पे आउट हो गए थे लेकिन इनको ज्यादा देर लगती नहीं, इनको ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रख सकते तो क्विंटन डीकॉक यहां पर आपको फिर से एक बार बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। 145 रन 4 मैचेस में बनाए, स्ट्राइक रेट भी इनका अच्छा है, 140 के पार स्ट्राइक रेट है तो बहुत बेहतरीन है और ओपन करते हुए आपको ये अच्छी पारी एक बार फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं काना के विकेट पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो यहां पे बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि टॉप 3 बॉलर्स आपके लिए कौन से इस मुकाबले में हो सकते हैं। तो वहां पे देखिए खलील अहमद का सबसे ऊपर नाम आता है, क्यों? क्योंकि डीसी के लिए लगातार गेंदबाजी में विकेट ले रहे हैं, 5 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं। वहीं यश ठाकुर ने कल मतलब पिछले मुकाबले में गुजरात के सामने 5 विकेट एक ही मैच में निकाल लिए थे तो 6 विकेट इनके नाम हो गए 3 मैचेस में। रवि बिश्नोई 2 विकेट जरूर है 4 मैचेस में लेकिन ये ऐसा गेंदबाज है जो आपको मैच पलटने का दम रखता है और मयंक यादव खेलते तो वो भी आपके लिए एक टॉप पिक बन जाते हैं। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे बात की जाए तो जो पिछले मुकाबले के स्टार खिलाड़ी थे जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था वहाँ पे सबसे ऊपर नाम आता है ट्रिस्टन स्टब्स का। जरूर टीम हार गई थी मुकाबला लेकिन मैच को अगर आखिरी ओवर तक किसी ने जिंदा रखा था तो वो ट्रिस्टन स्टब्स थे, हालांकि स्ट्राइक ज़्यादा नहीं मिल पाई थी उस ओवर में लास्ट ओवर में लेकिन 71 रन इन्होंने बड़े ताबड़तोड़ तरीके से बनाए थे, 25 कुछ गेंदों पर इन्होंने 71 रन की पारी खेली थी। जबकि कुरनाल पांडे अगर देखा जाए तो जो गेम पलटा था पिछले मैच में जो डिफेंड कर पाई थी वो कुरनाल पांडे की गेंदबाजी थी, 3 विकेट लिए थे उन्होंने शुरुआत में ही और जिस तरीके से इकोनॉमिकल रहते हैं ये काफी, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है LSG टीम के लिए। बैटिंग में रन भी बना लेते, हालांकि पिछले मैच में ज्यादा मौका मिला नहीं था, 1-2 बॉलें खेली थी और 2 रन बनाए थे और 3 विकेटें भी ली थी तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनकी आ रही है। अक्षर पटेल वहां पे बैटिंग में तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन मुंबई वानखेड़े के विकेट पे इन्होंने 2 विकेट लिया था तो इकाना पे ये और बेहतर आपको करते हुए दिख सकते हैं। निकोलस पूरन 32 रनों की पारी खेली थी राशिद और नूर के खिलाफ क्योंकि वहां पे इन दोनों स्पिनर्स के खिलाफ इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था लेकिन इन्होंने उस मैच में दिखा दिया कि भैया वो पास था, फ्यूचर अब ये प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में निकोलस पूरन का बल्ला बड़ा शानदार चल रहा है, उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं की प्लेयर्स की तरफ, अब की प्लेयर्स में नजर डाले जाए तो ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ऊपर बनते, 44 नाबाद रन बनाए हैं, 54 रनों की पारी खेली है, फिर 71 रनों की, 5 में 3 बार इन्होंने 40 प्लस रन बनाए और बड़े तेजी से बनाए तो कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। एंड नोकिया पिछला मुकाबला जरूर कुछ खास रनों से तो नहीं गया था लेकिन विकटें बहुत इन्होंने निकाली थी, खलील अहमद लगातार विकटें निकालते हुए जा रहे हैं, हर मैच में इनको विकेट मिलती है। डेविड वार्नर की बात कर लें अभी तक शुरुआत मिली है लेकिन वो एक बड़ी पारी का इंतजार है कि डेविड वार्नर के बल्ले से एक मैच जिताऊ पारी कब आती है। ऋषभ पंत यहाँ पे थोड़ा सा उन पे नजरें रहने वाली हैं, 2 अर्धशतक जरूर लगाए, मुंबई के खिलाफ खाता वो उतना कुछ खास नहीं रहा था, रन बने नहीं थे जिसकी वजह से टीम भी सफर कर गई थी तो ऋषभ पंत को जो बीच में 4-5 पे वो खेलते वहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से भी रन आना जरूरी है। लखनऊ के की प्लेयर्स की बात करें कुरनाल पांडे ऑफकोर्स वहां पर नाम होगा, 3 विकेट ली थी पिछले मुकाबले में, 1 मैच में इन्होंने 43 नाबाद रन भी बनाए थे इकाना की विकेट पे ही, तो कहीं ना कहीं कुरनाल पांडे आपके लिए एक की प्लेयर होंगे। लोकेश राहुल केएल राहुल यानी कि 30 बॉलों पे 33 रन 31 बॉलों पे, ये थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला है लोकेश राहुल के साथ, नहीं तो बाकी तो वो अच्छी खेल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ा लें, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है तो एक बड़ी पारी खेलते हुए दिख सकते हैं। मयंक यादव 6 विकेट हैं 3 मैचेस में, पिछला मुकाबला केवल 1 ओवर डाल पाए थे तो उम्मीद करेंगे कि जो निगल था वो थोड़ा सही से मतलब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी और इस गेंदबाज को आज की जनता भी बहुत देखना चाहती है तो मयंक यादव कैसा परफॉर्मेंस करते हैं उन पर भी नजरें रहने वाली है। फिर क्विंटन डीकॉक आ जाते हैं, 81-54 रनों की इन्होंने पारी खेली है तो अभी तक अच्छा कर रहे हैं क्विंटन डीकॉक।
कॉक भी उम्मीद करेंगे इस मुकाबले में भी अच्छा करें। वहीं निकोलस पुरन 32, 40, 42, 64 रनों की इन्होंने पारी खेली, अभी तक बहुत शानदार इनिंग खेलते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकोलस पुरन वहां पे आपको एक बार फिर से बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्मॉल लीग जो खेलते हैं कि उनके लिए कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किनको आपको अपनी टीम में रखना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। निकोलस पुरन एलएसजी की तरफ से और क्विंटन डिकॉक, इन दो को तो आप रखिए ही रखिए, और मयंक यादव खेलते तो गेंदबाजी में उनको भी आप रख सकते हैं। वहीं डीसी की बात करें तो डीसी में आप ट्रिस्टन स्टर्ब्स और ऋषभ पंत की तरफ जा सकते हैं, दोनों बल्लेबाज बड़े शानदार फॉर्म में चल रहे, तो इनको आप अपनी स्मॉल लीग में रख सकते हैं। वहीं ग्रैंड लीग के लिए बात की जाए जिसमें रिस्की हो सकते हैं, अगर देवदत्त पड्डीकल खेलते तो भैया हाथ जोड़ लीजिएगा इनसे, क्योंकि अभी तक बल्ला चला नहीं है। वहीं आयुष बदोनी काफी नीचे आते तो उतनी फैंटेसी पॉइंट आपको जिता नहीं पाएंगे, जबकि डीसी की तरफ से ललित यादव और कुमार कुशार्ग पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे लेकिन कुछ खास हुआ नहीं था, तो इन दोनों खिलाड़ियों को भी आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा सा रिस्क है इनके साथ। उसके बाद प्लेयर्स की बात करते हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहेंगे, ललित यादव उस पर नाम आ जाता है, हालांकि ऑलराउंडर है, क्या पता ये काना की विकेट पे थोड़ा बेहतरीन हो जाए, लेकिन इस समय वो फॉर्म दिख नहीं रहा। आयुष बदोनी के साथ भी वही सेम चर्चा चल रही है। अब नीचे बात करते हैं यहाँ पे टीम की, जो हमारी फैंटेसी टीम होने वाली है उसमें देखा जाए तो विकेट कीपर यहाँ पे हमारे पास 3-3 विकेट कीपर मिलेंगे भैया। क्विंटन डिकॉक वहाँ पर होंगे, निकोलस पुरन होंगे, ऋषभ पंत होंगे, साथ में आपके केएल राहुल भी होंगे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी स्लो चल रहा है, लिया जाए या ना लिया जाए थोड़ा सा सवाल है, नहीं तो अगर लेंगे तो 4 विकेट कीपर हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं इस समय जा रहा हूँ क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरन और ऋषभ पंत के साथ। उसके बाद बैट्समैन में अगर बात की जाए तो डेविड वार्नर और ट्रिस्टन स्टर्ब्स, ये मेरे दो बल्लेबाज होंगे। साथ में ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस, साथ में कुरनाल पांडे, ये 3 ऑलराउंडर रखूंगा। जबकि बॉलर्स में अगर बात की जाए तो रवि बिश्नोई, यश ठाकुर मेरे बॉलर हो जाएंगे। अगर मयंक यादव खेलते तो यश ठाकुर की जगह में मयंक यादव को अपनी टीम में रखूंगा, और वहीं खलील अहमद भी मेरी टीम में होंगे साथ में। अब कप्तान की बात की जाए तो कप्तान आप यहां पे एक बार फिर से निकोलस पुरन की तरफ जा सकते हैं, या फिर मार्कस स्टोइनिस, वाइस कैप्टन के रूप में आप अक्षर पटेल या फिर मयंक यादव खेलते तो उनकी तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे आपको एलएसजी और डीसी की ये टीम फैंटेसी टीम पसंद आई होगी, और क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए फैंटेसी की तो आपके लिए वीडियो रोज आती रहती है, लेकिन क्रिकेट से भी जुड़ी आपको रोज खबरें हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।